हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम होटल स्टाइल में चिकन ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है आधा केजी चिकन, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए अब हम उसे मैरिनेट कर लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आप कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक कटोरी हम उसमें दही डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मैरिनेट कर कर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। हम पहले चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा बटर डाला है मैंने उसमें, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। हम इसमें एक एक कर कर पीसेस डालेंगे। हमें ऐसे एक एक पीसेस को उठाना है और डालना है, इसका जो मसाला है उसे हमें नहीं डालना है। ऐसे हम सारे जितने आते हैं पीसेस उसमें डाल देंगे। इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। इसे हमें सारा अच्छे से डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, इसका पानी सूख जाए, इतना ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसको पलटा लेंगे, जितने इसमें आते हैं उतने ही डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसका पानी बहुत सूख जाएगा, तो अच्छे से नहीं तले जाएंगे। देखिए इसका कलर अच्छे से नीचे ऊपर थोड़ा डार्क हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी तल लेंगे। फिर से मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल बस, और इन बैच को भी हम ऐसे ही तल लेंगे। ये जो मैरिनेशन बचा है इसे हम नहीं डालेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। सारे चिकन को मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है, वो पूरी तरह से अच्छा फ्राई नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर स्पॉट्स आए हैं बस। कढ़ाई में मैंने ग्रेवी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच ऑयल डाला है। हम पहले ऑयल में खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता छोटे छोटे हैं तो मैंने तीन लिए हैं, काली मिर्च और थोड़ा सा शाही जीरा इसमें डाल देंगे। एक मीडियम साइज का प्याज है, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे इसे। प्याज ग्राइंड करके डालेंगे तो ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी। मैंने दो मिनट तक इसे अच्छे से भूना है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से इसे कच्ची स्मेल जाने तक भून लेंगे। ये दो टमाटोस है, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे भूनेंगे। ये जो बचा हुआ मैरिनेशन हमने रखा था इसे डाल लेंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, मैरिनेशन में मैंने नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डालूंगी। टमाटर की सारी कच्ची स्मेल चली जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, सारा जो हमने फ्राई कर कर रखा था चिकन वो इसमें डाल लेंगे। हम चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमारा चिकन अभी नहीं गला है, उस हिसाब से हम जितना हमें लगता है उतना पानी ऐड करेंगे। मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी हमने डाल दिया है, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन का। रेडीमेड चिकन मसाला है वो आधा चम्मच में डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हम उसे मसालों को सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको लिड लगा देंगे और फ्लेम को 2 मिनट तक हाई रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर लेंगे, देख लेंगे चिकन हमारा अच्छे से हुआ है या नहीं। मैंने इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर रखा था। देखिए ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गया है, ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है। आप और थोड़ा थिक करना चाहते हैं और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर रख सकते हैं। बस हमारी ग्रेवी बनकर, होटल स्टाइल में ग्रेवी बनकर चिकन की रेडी हो चुकी है। होटल स्टाइल में हमारी चिकन रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।